वेलकम टू पिन फैक्ट। दोस्तों हम लगभग 3 सालों से एटलीस्ट एक वीक में 4 वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बदले में आपका हमें ढेर सारा प्यार मिलता है। सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों हर मुल्क में अपराधियों को सजा देने के लिए नियम कायदे बनाए गए हैं। इन्हीं नियम और कानून के आधार पर उन्हें सजा दी जाती है। जिसका जितना जघन्य अपराध होता है उसके लिए सजा भी उतनी कठोर दी जाती है। अक्सर इंसानों को फांसी देने की बात आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी हाथी को फांसी की सजा सुनाई गई हो? दोस्तों ये घटना सुनकर आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा। ये घटना जानकर आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे, और अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता तो अवश्य ही आपका दिल पत्थर के समान है। दोस्तों ये घटना आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है। आज से 104 साल पहले अमेरिका में यह घटना घटी थी। उस समय अमेरिका में बड़ी संख्या में लोगों ने इस हाथी को फांसी दिए जाने का पुरजोर समर्थन किया था। यह घटना 13 सितंबर साल 1916 की है, जब अमेरिका के टेनेसी राज्य में 2000 से ज्यादा लोगों के बीच मैरी नाम के हाथी को फांसी पर लटकाया गया था। और इस क्रूर सजा के पीछे की वजह थी बड़ी अजीब, जिसके बारे में सुनकर कोई भी सन्न रह जाएगा। दरअसल चार्ली स्पार्क नाम का एक व्यक्ति टेनेसी अमेरिका में स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो नाम से एक सर्कस चलाया करता था। ये सर्कस बहुत ज्यादा फेमस था। इस सर्कस में बहुत से जानवर थे, लेकिन इस सर्कस का आकर्षण का केंद्र मैरी नामक एशियाई हाथी था। मैरी अपने महावत का कहना मानती थी। हाथी और महावत के बीच अटूट प्रेम था। जब सर्कस शुरू होता था तो मैरी को देखकर दर्शक ताली बजाने पर मजबूर हो जाते थे। मैरी अपने महावत के इशारों को अच्छी तरह समझती थी। सर्कस में आते ही मैरी करतब दिखाना शुरू कर देती थी। मैरी के कारण सर्कस के मालिक को अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन मैरी के महावत ने किसी वजह से सर्कस छोड़ दिया, जिस कारण मैरी काफी निराश रहने लगी और अपना खाना पीना भी कम कर दिया। मैरी के महावत के नौकरी छोड़ देने के बाद सर्कस के मालिक ने उसकी जगह पर किसी दूसरे महावत को रख दिया। नए महावत को मैरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और ना ही मैरी उस महावत के साथ अपना तालमेल बैठा पा रही थी। इसलिए मैरी को कंट्रोल करने में नए महावत को काफी परेशानी आ रही थी। ये सारी चीजें सर्कस के मालिक को दिख रही थी, लेकिन इन सब के बाद भी उसने अपना शो बंद नहीं किया, क्योंकि उसे सर्कस से अच्छी कमाई हो रही थी। और मालिक ये सोच रहा था कि समय के साथ मैरी का नए महावत के साथ तालमेल सही हो जाएगा। इस बीच सर्कस के मालिक ने अपने सर्कस का प्रदर्शन करने के लिए शहर के बीचों बीच हाथियों की परेड निकाली। इस दौरान रास्ते में मैरी को केले दिखाई दिए, जिसे खाने के लिए मैरी तेजी से आगे बढ़ने लगी। नया महावत उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैरी बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। इस दौरान महावत ने उसके कान के पीछे लोहे का भाला घोंप दिया, जिससे गुस्से में मैरी ने महावत को अपनी सूंड से पकड़कर नीचे पटक दिया और उसे अपने पैरों से कुचल दिया। हाथी की इस घटना को देखकर लोग भड़क गए। लोगों ने हाथी को मार डालने के नारे लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। अगले दिन के अखबारों में इस घटना को खास तौर पर जगह दी गई। शहर के ज्यादातर लोग सर्कस के मालिक चार्ली से मैरी को मृत्युदंड देने की मांग करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह शहर में फिर कभी सर्कस नहीं होने देंगे। कई लोगों ने हाथी को ट्रेन से कुचलवा कर मारने के लिए कहा, तो कईयों ने हाथी को करंट के जरिए मौत के घाट उतारने की बात कही। ऐसे में लोगों की जिद के सामने सरकार को भी घुटने टेकने पड़े और हाथी को मौत की सजा सुनाई गई। आखिरकार 13 सितंबर 1916 को क्रेन की मदद से हाथी को हजारों लोगों के बीच फांसी पर लटका दिया गया। इस घटना को इतिहास में जानवरों के प्रति इंसान की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। दोस्तों हमारा मानना है कि लोगों को जानवर की भावनाओं के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। जानवर ज्यादा समझदार तो नहीं होते, लेकिन इंसान तो समझदार होते हैं। इसलिए इंसानों को भी जानवरों के साथ जानवर जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों लोगों के इस व्यवहार को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए।